हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज डेली डोज। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम भीम का यूपीआई ऐप है उसको हम पेटीएम के थ्रू कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपना मनी ट्रांसफर या रिसीव कर सकते हैं। तो आजकल आपको कोई अल्टरनेटिव ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, मोस्टली सभी बंदे पेटीएम यूज़ करते हैं। तो हम पेटीएम में ही भीम यूपीआई ऐड कर दिया पेटीएम ने, तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए यूज़ करना। तो कैसे इसको अपना अकाउंट वहाँ पर सेटअप करना है मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊँगा। सबसे पहले क्या करना है, अपने अपने पेटीएम अकाउंट में लॉग इन कर लेना। जैसे ही आप लॉग इन करोगे वहाँ पर एक अलग से टैब होगा यूपीआई का, वहाँ पर अपने क्लिक करना है। उसके बाद अपने बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे अपना पेटीएम बैंक का जो अकाउंट है वो यूज़ करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद अपने सिम सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आपके पास जो भी बैंक है, पीएनबी, कैनरा, आईसीआई, कोटक, जो भी ये बैंक है उसको अपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपने सिम सेलेक्ट करना है कौन सा सिम उस बैंक से अटैच है, ठीक है। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करोगे सिस्टम अपने आप उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और अपना वो एक ओटीपी के थ्रू आपकी एक UPI ID रेडी कर देगा। जैसे ही आपकी ID रेडी होगी आपसे पूछा जाएगा कि अपना 4 डिजिट का UPI पिन सेटअप करें, जो कि अपनी फ्यूचर जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी UPI की उसके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद आपने वो 4 सेटअप कर लेना और डन कर लेना। और मैं आपको इसके थ्रू एक ट्रांसफ़र भी करके दिखाऊंगा कैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको उसके थ्रू समझते हैं, पेटीएम के थ्रू, ठीक है। पेटीएम के ऐप के थ्रू समझते हैं, मैं मोबाइल के थ्रू आपको इसको दिखाने वाला हूँ। थैंक यू। तो सबसे पहले आपने अपना पेटीएम का ऐप खोल लेना है। ऐप खोलने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होगा UPI, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने कौन सा बैंक ऐड करना है। तो यहाँ अपने पेटीएम पेमेंट बैंक को ही ऐड करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये सिम, जैसे अपने कौन से सिम पे ये बैंक अकाउंट बना रखा है, तो ये मैंने आइडिया पे बना रखा है, तो मैं आइडिया पे इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आइडिया पे अपने आप ही मैसेज भेजेगा, UPI भेजता है, वेरीफाई कर रहा है नंबर को, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, वेरीफाई ये अपने आप कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये जैसे कि ये अपना जो क्या बोलते हैं, ये अपना UPI एड्रेस हो गया, ये मेरा अकाउंट नंबर है। तो इसके साथ हम क्या अपने क्या करना है, अपने यहाँ पे अपना UPI पिन सेटअप करना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अपने पासकोड डालना है पेटीएम का, ठीक है। अब यहाँ पे एक OTP आएगा, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, हाँ ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पिन सेट कर लेना UPI का, जो भी आपने पिन चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे इस यहाँ पे प्रेस कर दूंगा। एक बार फिर से आपने एंटर करना है कंफर्म करने के लिए। तो ये आपका UPI बन के हो गया रेडी। अब आपने यहाँ पे बैक जाना है, फिर से आपने UPI पे आना है। तो ये आपका हो गया UPI, ये पेमेंट बैंक के साथ ऐड हो गया, ठीक है, जो आपका पेटीएम पेमेंट बैंक है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है, और अगर दूसरा बैंक अकाउंट लिंक करना है तो आप लिंक कर सकते हो, या फिर आपने दूसरा UPI ऐड करना है तो, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो कि जो आपका पेटीएम ने ऑलरेडी अपने आप जो एक आपके नंबर के साथ UPI बना के दिया था, आप नहीं चाहते कि आप उस UPI को मतलब यूज़ करो, आप चाहते हो कि आपका खुद का एक जो आप इजी याद रख सकते हो, आप वो UPI एड्रेस चाहते हो, तो इसके लिए आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ डेली डोज @Paytm। अब ये चेक करेगा अगर है या नहीं है, ठीक है। ये डेली रोज @Paytm बन गया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको प्राइमरी UPI सेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो पहले वाला है उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया पिन सेट। अब आपने किसी को पैसा भेजना है, जैसे कि यहाँ पे किसी को, चलो हम पैसा भेजते हैं, ठीक है। जैसे कि up to 100, इसमें आपको 50 रुपये कैशबैक मिलेगा अगर आप किसी को पैसा भेजते हो। तो चलिए हम किसी को पैसा भेजते हैं, अपने फ्रेंड को भेजता हूँ मैं यहाँ पे UPI ID के थ्रू।
पे वेरीफाई कर दो। ये जो पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा, यहाँ पे 100 रुपये हम उसको भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र क्लिक कर दिया हमने और यहाँ पे कंफर्म कर दिया। यहाँ पे अपना UPI आईडी, अपना सॉरी UPI पिन आपने एंटर करना है। जैसे ही एंटर करोगे यहाँ पे क्लिक कर देना। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है इंटरनेट की वजह से।